हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो एमसीए की फिर से एक नोटिफिकेशन आ गई है जो कि 30 जून को आई है आज ही, और जिसमें फिर से रिलैक्सेशन दी गई है दोस्तों कुछ और फॉर्म फाइल करने के लिए। एडिशनल फीस अब नहीं लगेगी। जो पहले रिलैक्सेशन दी गई थी 53 फॉर्म्स के रिगार्डिंग, उनमें से दोस्तों अब चार्ज वाले फॉर्म को छोड़ करके सभी फॉर्म की जो है डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो ये नोटिफिकेशन आ जाइए, रिलैक्सेशन ऑन लेवी ऑफ एडिशनल फीस इन फाइलिंग ऑफ सर्टेन फॉर्म। सर्टेन फॉर्म कौन कौन से, उनकी अभी लिस्ट देखेंगे अंडर द कंपनीज एक्ट एंड LLP एक्ट, एक्सटेंशन ऑफ टाइम। तो ये देख लीजिए, इन कंटिन्यूशन टू द मिनिस्ट्री जनरल सर्कुलर, जो सर्कुलर आया था 6 नंबर का सर्कुलर आया था 21 में, इसकी डेट थी 3/5/21 को। ऑन अकाउंट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लाइन स्पेसिफाइड इन द सेड सर्कुलर, तो ये डिसाइड किया गया है कि जो टाइम लिमिट थी एक्सटेंशन वाली, उसको अब एक्सटेंड करके कर दिया गया है 31 अगस्त 2021 तक टू द कंपनीज और LLP टू फाइल फॉर्म्स अंडर द कंपनीज एक्ट और फिर LLP एक्ट। अदर देन कौन कौन से फॉर्म इसमें इंक्लूड नहीं है, फोन नंबर CHG 1, CHG 4 एंड CHG 9, चार्ज वाले फॉर्म इसमें कवर नहीं है। बाकी के जो फॉर्म लिस्ट में थे वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। विच वर ड्यू फॉर फाइलिंग ड्यूरिंग 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक, जो भी आपके फॉर्म ड्यू हैं फाइलिंग के लिए अदर देन CHG 1, 4 एंड 9, उन सबकी डेट एक्सटेंड करके विदाउट एनी एडिशनल फीस कर दी गई है 31 अगस्त 2021 तक। अकॉर्डिंगली ओनली नॉर्मल फीस आपको पे करनी होगी, कब तक, अप टू 31 अगस्त तक। तो 31 अगस्त तक आपको नॉर्मल फीस ही पे करनी होगी। फॉर फॉर्म्स अदर देन चार्ज रिलेटेड फॉर्म्स रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2021 से 31 अप्रैल 2021 तक, जिनकी ड्यू डेट है उनको आप 31 अगस्त तक फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख लेते हैं कि वो लिस्ट कौन से फॉर्म की है। तो हम आ जाते हैं गूगल पे, EMCA की वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं। तो जैसे कि रिलैक्सेशन वाली नोटिफिकेशन आ गई है, सर्कुलर आ गया है, ठीक है। अब हमने ये लिस्ट ऑफ फॉर्म्स एक्सटेंशन बाई MCA, इनकी हमने खोली है तो MCA की भी दे रखी है। जैसे कि आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये MCA वाली लिस्ट आ जाएगी। इसका भी URL काम नहीं कर रहा, तो हमने टैक्स गुरु का एक हमें आर्टिकल मिला जिसमें देख सकते हैं आपने दिखाने के लिए। सर्कुलर नंबर 621 की ही ये है, और इसमें देखिए दोस्तों 53 फॉर्म जो बाद वाला था, इन्होंने सर्कुलर नंबर 6 और 7 दोनों को इंक्लूड करके दिया गया, जिसमें चार्ज वाले फॉर्म भी इंक्लूड कर दिए गए थे बाद में। तो अब स्पेशल मना किया गया कि चार्ज वाले फॉर्म की डेट एक्सटेंड नहीं की गई है, अदर देन चार्ज की डेट एक्सटेंड की गई है, जिसमें आपके EDT-1 NC-22 NDH वाले फॉर्म आ जाएंगे, NDH-3 FC-4 MSC-3 NC-27 NDH-2 IEPF-3 AOC-4 AOC-4 NVFC AOC-4 XBRL MDT-7 LLP-3 11 DIR-11, ये सारे के सारे फॉर्म दोस्तों इसमें कवर हो जाएंगे। NDH-4 भी है इसमें हमारा, तो EDT-3, ये सारे के सारे फॉर्म Band-2 वगैरह इसमें आपके आ जाएंगे। तो चार्ज वाले फॉर्म को छोड़ करके ये 53 टोटल हैं सर्कुलर 6 और 7 के अकॉर्डिंग। तो इसमें से चार्ज वाले फॉर्म हटा करके लगभग 50 फॉर्म्स के लिए ये डेट एक्सटेंड की गई है। तो फ्रेंड्स, अब 31 अगस्त तक आप फाइल कर सकते हैं। कौन से फॉर्म को कर सकते हैं, जिनकी ड्यू डेट कब तक पड़ी थी, 1 अप्रैल 21 से 31 जुलाई 21 तक है, तो उनके लिए टाइम अब बढ़ा करके 31।